मैट्रिक्स वीडियो नंबर 4 प्लस माइनस इनटू सब समझा दी, छोड़िए वो सब 10th क्लास है, क्लियर है। सो स्टार्ट विथ, अब हम लोग 12th क्लास में आएंगे, तो आते हम लोग टाइप 4। चलो आगे बढ़ रहे हैं, लोग सीखने के लिए ये सब ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ये भी थोड़ा बहुत तो आइडिया है ही, थोड़ा सा ध्यान सुनिए। इसे बोलेंगे ना रो और कॉलम का आपस में इंटरचेंजिंग, इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम, इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम, इज इट क्लियर। इसे टू बी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, सपोज ए इज इक्वल टू 2 3 1 6 4 5, तो ए टी बोलिए, ए डैश बोलिए, 2 3 1 उल्टा कर दीजिए, रो को कॉलम या कॉलम को रो बना दीजिए, 2 3 1 रो है कॉलम बन गया, 6 4 5 रो है कॉलम बन गया, या 2 6 रो था कॉलम बन गया। एक और देखिए, बी इज इक्वल टू 3 1 0 9 8 -6, तो बी का क्या लिखिए, डेस लिखिए, बी का ट्रांसपोज का मतलब कुछ नहीं करना, 3 1 क्या है, रो है, रो है, तो यू हैव टू राइट कोलम, 3 1 कोलम, 0 9 8 -6, 3 1 0 9 8 -6, 3 1 0 9 8 -6, रो को कोलम, रो को कोलम, अंडरस्टूड, कोलम को रो, 0 9 रो था कोलम बन गया। एक और, ए इज गिवन बाय 169, तो ए डेस बोलिए, ट्रांसपोज बोलिए, क्या करना है, रो को कॉलम कर दीजिए या कॉलम को रो कर दीजिए, इट से टू बी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, नोट करिए, बता रहे इसके बारे में। आप जो भी बुक हो प्लस माइनस इनटू अपने से कीजिएगा, उसे एग्जाम में नहीं आता है ना, सीखने के लिए था, ऐसे भी आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े, इसे बात नोट कीजिए। एक को रो लिख के दिखने, देखते कौन लिख लिखेगा। ए इज इक्वल टू 4 6 9 2 0 8, बी इज इक्वल टू 3 8 6 9 5, ए का डेस लिख के दिखाइए, बी का डेस लिख के दिखाइए, ए डेस का डेस दो दो बार डेस करके दिखाइए, डेस मतलब ट्रांसपोज मतलब रो और कॉलम का इंटरचेंजिंग, द इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम, रो को कॉलम, कॉलम को रो बनाइए। लिख लिए, देखते कौन बनाया, चलिए ए डेस, डोंट राइट, सिखा रहे हैं, आइए 4 6 0,
9 to 8 खत्म। वीडस 3 8 1 6 9 5 अंडरस्टूड। क्या किए? रो को कोलम बना दिए। डबल टेस्ट मतलब आंसर वही आएगा। कोई बनाया समझ में आ रहा? निकिता, एंथोनी, अमिश। चलिए ए डिस और एक डिस, नहीं ए दिया हुआ है, ए डिस करेंगे, ए डिस का एक और डिस और। बोलिए ए डिस का वैल्यू क्या होगा? ए का वैल्यू 460 है, तो यहाँ इसे कर लेंगे। रो को कॉलम 9 to 8, फिर डिस का डिस एक बार और 4 9 6 2 0 8, मतलब वापस ए 2 बार डिस करेंगे तो अपने आ जाएगा। देखते हैं कौन बनाएगा। ए प्लस बी का फोर डेस कर दीजिए, ए डेस प्लस बी डेस कर दीजिए। चलिए ए प्लस बी का होल डेस, ए डेस प्लस बी डेस कर लीजिए। आप पास जो भी बुक हो उसे एकदम प्रैक्टिस करते रहिएगा ना, जिससे तो पीछे हो जाएंगे एकदम। चैप्टर धीरे धीरे एकदम अच्छा से चलेगा। अब एक चैप्टर कैलकुलस का भी शुरू करने वाले आप लोग का है ना, 2 टॉपिक चलेगा, ठीक है? तो मेहनत करना पड़ेगा, टाइम बहुत, फिर स्कूल जब खुलेगा टाइम बहुत कम मिलेगा आपको फिर। कर लिए ए प्लस बी का डेस, ए और बी को जोड़ दिए होंगे। देखिए ए और बी को जोड़ दिए सबको ही, 4 और 3 7 पहला पहला 6 और 8 14, 0 और 1 1 9 और 6 15, 2 और 9 11, 8 और 5 13। ये तो हो गया ए प्लस बी का डेस, सबको किए हैं 7 14 1 15 11 13। दिस वे यू कैन डू ट्रांसपोज ए डेस प्लस बी डेस, ए डेस प्लस बी डेस, वही आंसर आएगा है ना। ए डेस का वैल्यू कितना है? 4 9 6 2 0 8, और बी डेस का वैल्यू कितना है? 3 6 8 9 1 5। जोड़िए 4 और 3 7 9 6 15 6 8 14 2 9 11 0 1 13। अंडरस्टूड हाउ टू ट्रांसपोज? नो डाउट, किसी को भी डाउट नहीं हो रहा होगा, एकदम उम्मीद है हमको। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। किसको बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स? व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स? नेक्स्ट टॉपिक। ट्रांसपोज समझा दिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स चल रहा है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज क्या बता दिए। लुक हियर, ए इज ए मैट्रिक्स 4 6 1 6 8 3 1 3 11, इसका डेस करेंगे। अगर दोनों सेम आ जाएगा, ए डेस और ए का वैल्यू अगर सेम, ऐसा मैट्रिक्स लिखे हैं कि उसका ट्रांसपोज करने से भी वही आंसर आएगा। देखिए ए डेस और ए 4 6 1 6 8 3 1 3 11, देखिए वही आंसर आएगा। नहीं, हम डेस कर दिए ना, 4 6 1 रो को कॉलम बना दिया, ऐसा मैट्रिक्स लिखे थे हम जानबूझ के कि ट्रांसपोज करने से भी वही आंसर आया, मतलब ए डेस इज इक्वल टू ए, तो ए इज कोल्ड। क्या बोलते हैं हम लोग? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ए इज कोल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अंडरस्टूड? ए इज कोल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक अगर उसका ट्रांसपोज क्या हो जाए, सेम आ जाए, ट्रांसपोज भी सेम। लुक हियर,
बी इज ए मैट्रिक्स, 9 11 11 13, बी का टेस्ट करिए, 9 11 9 11 11 13 11 13, बी डेस इज इक्वल टू बी आया, सेम आया कि नहीं, देख लीजिए हमेशा लिखे जानबूझ के कि वो सेम आया, इज कॉल्ड व्हाट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बी इज सिमेट्रिक, अंडरस्टूड, नोट कीजिए, ट्रांसपोज सिखा दिए, सिमेट्रिक के बारे में पढ़ रहे हैं लोग, तो मेरा एंथोनी अनीस एंड निकिता, बोर्ड क्या दिख रहा है, बोर्ड कि धुंधला है, सो ए दिया तो ए डेस कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी का और डेस कैसे निकालते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्टार्ट किए हैं, कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने से भी अगर क्या होता है, सेम आंसर आता है तो ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ट्रांसपोज करने से सेम आता है, जैसे बी दिया हुआ है 9 11 11 13, डेस कर दीजिए 9 11 11 13, बी डेस इज इक्वल टू बी, देन बी इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बी इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, चेक करिएगा सिमेट्रिक है कि नहीं, सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या चाहिए, जैसे आपको बुखार चेक करने के थर्मोमीटर चाहिए, उसे सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या चाहिए, उसका ट्रांसपोज करना चाहिए ना, सेम आना चाहिए, 3 1 -2 1 0 11 -2 11 13, चलिए एडेस निकालिए और चेक करिए कि एडेस और ए सेम है कि नहीं, अगर सेम होगा तो ए इज सिमेट्रिक, चलिए डू इट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे हम लोग, देखिए कैसे, 3 1 -2, 3 1 -2 1 0 11 -2 11 13, ए डेस इक्वल टू ए आ गया, देख लीजिए तो ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अंडरस्टूड, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्लस माइनस इनटू ट्रांसपोज सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, अभी हम पढ़ने वाले स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, बहुत इजी है, अगर ए डेस इक्वल टू ए नहीं माइनस के साथ बराबर आएगा, इफ माइनस ए डेस इज इक्वल टू ए देन इट इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इट इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इट इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लुक हियर एग्जाम्पल देखिए, ए इज इक्वल टू 3 सॉरी 0 8 -1 -8 0 4 1 -4 0, एडेस निकालिए, ट्रांसपोज करने सीख गए, यही तो सीखा है, 0 8 -1, रो को कोलम बना दिए, -8 0 4 1 -4 0, अभी इक्वल नहीं आया है, ए के इक्वल नहीं आया, देख लीजिए कहाँ आया, 0 8 -1 उल्टा आया, लेकिन माइनस करिए, साइन चेंज कर दी सबका, 0 माइनस माइनस क्या रहा, +8 है कि नहीं,
साइन चेंज करिए, माइनस एडेस कर रहे हैं, एडेस का वैल्यू माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस एडेस जीरो का माइनस जीरो ही होता है, फोर वन माइनस फोर जीरो आया कि नहीं, ए के बराबर आया कि नहीं चेक कर लीजिए, ए के बराबर आ गया, अंडरस्टूड, ए के बराबर आया, इट इज कोल्ड, क्या बोलेंगे, माइनस ऑफ एडेस इक्वल टू ए, तो ए इज क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्यू या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिंपली बोल सकते हैं या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, अंडरस्टूड, नोट करिए, अभी दो तीन एग्जांपल करके दिखाइए। स्क्यू मैट्रिक्स बोलिए चाहे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बात एक ही है। अंडरस्टूड, सिमेट्रिक का एग्जांपल इधर लिखा हुआ लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड में, स्क्यू सिमेट्रिक माइनस के साथ बराबर करेंगे, देन इट इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए आप करके दिखाइए कैसे चेक करेंगे, ए इज ए मैट्रिक्स 0 3 2 माइनस 3 0 4 माइनस 2 4 0 सो करिए इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बस सो करना, वेरी सिंपल, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या करना पड़ेगा, व्हाट टू डू, एनीवन टेल मी, क्या करेंगे, एडेस करेंगे पहले, 0 3 2 रो है कॉलम बन गया, माइनस 3 0 4 माइनस 2 4 0, अभी तो ए के बराबर नहीं आया है, देख लीजिए 0 3 2 है ये, तो माइनस के साथ करिए, 0 3 2 माइनस 3 0 माइनस 4 माइनस 2 4 0, अब आया कि नहीं बराबर, माइनस एड इज इक्वल टू ए, तो ए को बोलते हैं हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अंडरस्टूड, सिमेट्रिक कैसे बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक किसको बोलते हैं, एनी डाउट, एनी डाउट, इफ यू हैव डाउट आस्क मी, देखिए स्क्यू सिमेट्रिक कैसे लिखते हैं ना, देखिए कैसे लिखते हैं, कोई मैट्रिक्स एक को दिखा रहे हैं स्क्यू कैसे लिखते हैं देखिए, और एक को दिखा रहे हैं सिमेट्रिक, देखिए स्क्यू में जीरो जरूर होगा, देखिए यहां पे जीरो जरूर होगा, 3 * 3 ऑर्डर का होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़े हैं 10th क्लास में, अगर यहां माइनस 2 है तो यहां प्लस 2 होगा, यहां पे 8 लिखेंगे तो यहां माइनस 8 लिखेंगे, अगर माइनस 6 लिखेंगे तो प्लस 6,
ऐसा मैट्रिक्स डायगोनल जीरो, देखिए डायगोनल ही जीरो, माइनस टू है तो प्लस टू। अब इसका क्या करके देख लीजिए, इसका माइनस एडीएस का वैल्यू क्या आएगा, ए इस क्यू। और सिमेट्रिक इसलिए तो बहुत दीजिए, कुछ भी लीजिए, 3 6 4 कोई भी नंबर लिख लीजिए डायगोनल में। 5 है तो यहाँ पे 5 लिखिए, 8 है तो यहाँ पे 8 लिखिए, 6 है, 3 है, 2 है, ये हमेशा एडेस का वैल्यू ए आएगा। अंडरस्टूड हाउ टू राइट? तो डायगोनल 0 0 0 होता है 4 स्क्यू मैट्रिक्स। डायगोनल इज 0 4 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर सिमेट्रिक जो यहां है वह सेम, ऐसे ऐसे लिखेंगे तो इट विल बिकम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अंडरस्टूड? नोट कर लीजिए सब बात। हाँ सुनिए, दो बात, ए प्लस एडेस कीजिएगा तो एक नया मैट्रिक्स जो बनेगा वो सिमेट्रिक होगा, और ए माइनस एडेस कीजिएगा तो वो क्या होगा, स्क्यू होगा। एक नया मैट्रिक्स बनेगा, ए प्लस एडेस करेंगे एक नया मैट्रिक्स होगा, विल बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अंडरस्टूड? एंड ए माइनस एडेस करेंगे देन इट विल बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए हम करके दिखा रहे हैं, ठीक है? लुक हियर, डोंट राइट। इफ ए इज कोई भी दीजिए 6 5 8 11, इसके बारे में बात नहीं हो रहा है, ये सिमेट्रिक नहीं है। ए प्लस एडेस करेंगे, सपोज पी इज ए न्यू मैट्रिक्स, पी इज ए न्यू मैट्रिक्स, पी इज ए न्यू मैट्रिक्स है ना, इसको चेक करते हैं। ए प्लस एडेस निकालेंगे, देखिए क्या होगा, पी एक नया मैट्रिक्स है, नया मैट्रिक्स सिमेट्रिक आएगा, ये बोल रहे, ए नहीं है, ए सिमेट्रिक नहीं है, ए को एडेस करिए 6 5 8 11, 6 5 8 11, 6 और 6 12, 8 5 13, 8 5 13 और 22। अब क्या कीजिए, पी डेस करिए, एक नया मैट्रिक्स बना वो सिमेट्रिक होगा, 12 13 13 22, आया कि नहीं पी? तो क्या बोल सकते हैं लोग, ए प्लस एडेस इक्वल टू पी इज इक्वल टू पी डेस, P इक्वल टू पी डेस आ गया, तो P इज क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अंडरस्टूड? P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A के बारे में बात नहीं हो रहा है, A दिया हुआ मैट्रिक्स है, ये तो एक गिवन मैट्रिक्स है, इसके बारे में बात नहीं हो रहा है, इसको A प्लस A डेस करेंगे, ये जो नया मैट्रिक्स है P विल बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अंडरस्टूड क्या बोल रहे हैं हम लोग, तो A प्लस A डेस इज कोई मैट्रिक्स A स्क्वायर होना चाहिए, will always be a symmetric matrix. A is a symmetric matrix. Is that clear? Look here. A minus A dash Q निकालेंगे। A minus A dash जब माइनस करेंगे ना, A minus A dash will be skew symmetric matrix. A minus A dash will be skew symmetric matrix. ए का वैल्यू क्या दिए हैं, 6 5 8 11, 6 5 8 11। क्यू का वैल्यू क्या आएगा, क्यू इज ए न्यू मैट्रिक्स है ना, न्यू क्यू क्यू के बारे में बात, 6 में 6 0 माइनस 3, 8 में 5 3 11 में 1 0। अब क्या करेंगे हम लोग, क्यू डेस करेंगे, 0 माइनस 3 3 0। अब माइनस क्यू डेस करेंगे, 0 माइनस 3 प्लस 3 0। सिवारा यह नहीं आ रहा है, निकिता एंथोनी क्यू निकालेंगे, ए माइनस ए डेस करके जो वेल्यू आया क्यू डेस करेंगे, माइनस क्यू डेस कर दिए तो माइनस क्यू डेस इक्वल टू क्यू क्या आया, सेम आया, तो क्या बोलेंगे, क्यू इज इक्वल टू ए माइनस ए डेस इज क्या बोलेंगे, क्यू सिमेट्रिक। तो देखिए प्रूव कर दिए, वेरीफाई कर दिए कि ए प्लस ए डेस इज ऑलवेज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए डेस विल बी ऑलवेज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नोट इट डाउन।
अभी एग्जाम्पल और करेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। लिख रहे सब कोई? अभी एग्जाम्पल और करेंगे आप लोग तो पूरा समझ में आएगा क्या क्या करा दिए। प्लस माइनस इनटू सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक ट्रांसपोज। लिख लिए अभी ट्राई वन मोर क्वेश्चन। 6 3 5 8 0 -2 3 4 5। शो करिए कि ए प्लस एड इज इज ए सिमेट्रिक है एंड ए माइनस एड इज, ये नहीं, ए इज नॉट ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये ना आपको पता नहीं सिमेट्रिक, इसके कुछ नहीं पता। ए नहीं बोल रहे हैं, ए प्लस ए डेस विल बी सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए डेस विल बी स्क्यू सिमेट्रिक। ट्राई इट, डू योर सेल्फ, यू हैव 2 मिनट्स विथ यू, ट्राई दिस क्वेश्चन। इज 6 3 5 8 0 -2 3 4 5। प्राइम स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक प्लस माइनस इनटू सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक ट्रांसपोज। बुक में ऐसा बहुत सा क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी क्लास और लगेगा इसमें भी, तो आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा। आर यू ट्राइंग स्टूडेंट्स? निकिता, अनीस एंड एंथनी। मजा अच्छा लग रहा है पढ़ने में? आर यू एंजॉइंग? चलिए मिला ही है, सो आई एम ट्राइंग टू सॉल्व इट। सो फाउंड, बोलिए ए का वैल्यू क्या है? 6 3 5 8 0 -2 3 4 5।
What will be? It is 6, 3, 5, 8, 0, -2, 3, 4, 5. सॉल्व किए होंगे. 6 और 6 12, 3 और 8 11, 5 3 8, 8 3 11, 0 2 बचा होगा, 3 और इसमें कोई दिक्कत ही नहीं हो रहा आपको तो लग रहा है. अब हम लोग क्या करेंगे, पीडीएस 12 11 8 11 0 2 8 2 10 इक्वल टू क्या आ गया, पी. तो ए प्लस ए डेस इक्वल टू पी इज इक्वल टू पी डेस. तो बोलेंगे पी इज सिमिलर, मतलब क्या, ए प्लस ए डेस कोई मैट्रिक्स हो, ए कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इज क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ट्राई ए माइनस ए डेस. तो बनाया सकते दूर. चलिए ए माइनस ए डेस राइट. चलिए निकाल रहे हैं क्यू इज इक्वल टू ए माइनस ए डेस. ए माइनस ए डेस इज ऑलवेज ए क्या होगा, ट्राई करें हम लोग. ए माइनस ए डेस इज ऑलवेज ए व्हाट, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. स्क्यू किसको बोलते हैं बता दिए, चलिए चेक करके दिखाते हैं. ए माइनस ए डेस एक नया मैट्रिक्स है, ये नया मैट्रिक्स क्यू इज फाउंड बाय ए माइनस ए डेस. यहाँ पे पक्का जीरो आएगा, देखिए आएगा क्यू का वैल्यू ए ए लिख रहे हैं माइनस ए डेस 6 3 5 8 0 2 और ये क्या है 3 4 5 और ये कितना 6 3 5 8 0 -2 3 4 5 इधर क्लियर. 6 -6 0 देखिए 3 में 8 -5 5 में 3 8 में 3 प्लस 5 0 में 0 0 -2 में 4 गया -6 3 में 5 -2 4 प्लस 2 6 क्या निकला क्यू. अब हम लोग क्या करेंगे, ये क्या कर लिए हम लोग, क्यू डेस कर लिए. Understood? It is Q dash. What to do next? अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग क्या करने वाले हैं, माइनस ऑफ क्यू डैश करने वाले हैं. माइनस ऑफ क्यू डैश, जीरो का माइनस जीरो होता है, फाइव माइनस हो जाएगा टू प्लस हो जाएगा, फाइव माइनस हो जाएगा प्लस, जीरो का माइनस जीरो ही होता है, सिक्स का माइनस हो जाएगा, साइन चेंज रहता है, इसका मतलब ये हुआ माइनस टू 6 0. सो माइनस क्यू डेस का वैल्यू देखिए क्यू आ गया, तो क्या बोलेंगे ए माइनस ए डेस मतलब क्यू इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अंडरस्टूड, नोट इट डाउन. सो इन दिस वे यू लर्न टुडे हाउ मेनी टॉपिक्स, ट्रांसपोज, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक. इट विल टेक वन मोर क्लास, है ना, इट विल टेक वन मोर क्लास. Then I will tell you how to divide a matrix in two parts. One is of symmetric and other is of skew symmetric. Not college.
माइनस इन टू है ना, प्लस माइनस इन टू, हाउ टू मल्टीप्लाई, ये सब 10th क्लास में था आपका, इट वाज इन क्लास 10th. नाउ वी स्टडीड अबाउट ट्रांसपोज, हाउ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड हाउ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज फॉर्मड. देन वी स्टार्टेड ए प्लस एड एस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस एड एस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो नोट कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टुमोरो. फिजिक्स एंड मैथ्स टाइमिंग आई विल गिव यू इन द ग्रुप. अंडरस्टूड? नोट इट डाउन. बोलो एंथोनी. हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? हाँ बोलिए. सिक्स ए, सिक्स ए एक्सरसाइज 6A है. ओके, क्वेश्चन लिख के भेजना है ना, क्वेश्चन सेंड करना ग्रुप में. आई विल शो द क्वेश्चन. एक्चुअली आई डोंट हैव बुक है ना. आप कौन सा बुक लिए इस बार? ओके, फोटो भेज देना ना, जो क्वेश्चन नहीं बना उसको फोटो बना भेजना, हम बोर्ड में समझा देंगे नेक्स्ट क्लास. ओके, टुमारो. प्लस माइनस में है, इनटू है, क्या में है? प्लस माइनस में, इनटू में, किसको समझ में नहीं आया? 6A में क्या है? डू यू हैव बुक मीनवाइल? ठीक है, तुमको क्वेश्चन का फोटो खींच के ग्रुप में डाल देना, ठीक है? उसको डिलीट कर देना जो क्वेश्चन नहीं बना, ठीक है? अनिस, एवरीथिंग ओके? निकिता, चलो एंजॉय करो. नेक्स्ट मिलते हैं कल. टाइमिंग विल बी गिवन अकॉर्डिंगली इन द ग्रुप. ओके.